students, we are going to perform the activity of field visit for collection of different developmental stages of insects belonging to different orders. Insects are polyphagous. They attack on different plants like aphids. They are present on the backside of the leaves, on the soft leaves, on the new leaves of the plants. Or other insects are also present on different plants. So we have to use the variety of vegetation like orchards, fields, crops, vegetable fields, flowering flowers. So you can use variety of habitat to collect the variety of insects. अगर आप variety of methods use करेंगे तो आपके पास variety of insects आएंगे, क्योंकि किसी एक method से, sweep net से, leaf litter से, trap method से, beating tree method से आपको सिर्फ एक variety के insects मिलेंगे. जब तक आप इन variety of collection method use नहीं करेंगे आपके पास variety of insects नहीं आएंगे. और इसके अलावा आपको वेदर का भी देखना होता है इसमें कि आपको जो इंसेक्ट्स जो है मार्च अप्रैल में मिलेंगे वो आपको जून जुलाई में नहीं मिलेंगे, और जो जून जुलाई में मिलेंगे वो आपको अक्टूबर नवंबर में नहीं मिलेंगे. इसके अलावा इंसेक्ट की कलेक्शन में उनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस के आपको अगर आपने इंसेक्ट कलेक्ट किए हैं तो उनकी आपको जो है वो लार्वल स्टेजेस या उनकी आपको जो है इमेच्योर स्टेजेस मार्च अप्रैल में मिल रही हैं, तो आप उनको कुछ मंथ्स के बाद 1 month 20 days after दोबारा आप कलेक्शन करें ताकि आपको उनकी मैच्योर स्टेजेस मिल जाएं. और वेजिटेशन स्पेसिफिक भी होते हैं कि आपको अगर मेल किसी एक इंसेक्ट से मिला है तो फीमेल भी नियर बाय किसी प्लांट से ही आपको मिलेगी. आपने टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड, ये सारे एबायोटिक फैक्टर को भी देखना है कि आपको इंसेक्ट जून जुलाई में दोपहर में नहीं मिलेंगे, आपको अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में देखना होगा. आपको हाई टेम्परेचर पे रेनफॉल में भी इंसेक्ट नहीं मिलेंगे, अगर विंड बहुत ज़्यादा है तो भी इंसेक्ट डिस्टर्ब हो जाएंगे. तो इस तरह के बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर हैं, ये भी आपको फोकस करना होते हैं. और इसके अलावा आपने जहाँ से इंसेक्ट कलेक्ट किया है माइक्रो और मैक्रो हैबिटेट, तो आपने वहाँ का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी रिकॉर्ड करना है, जो कि आप GPS से रिकॉर्ड करते हैं. और आपने डेटा बुक भी यूज़ करनी है. आप जब फील्ड पे जाएंगे तो सारे इक्विपमेंट के साथ, जिसमें आपके पास जो है फील्ड इक्विपमेंट, फील्ड किट होगी जिसमें आपके पास जो है वो स्वीप नेट होगा, बॉटल्स होंगी, वायल्स होंगी, कलेक्शन जार्स होंगे, इसके अलावा बी ट्री मेथड के लिए शीट होगी, स्टिक होगी, गॉगल्स होंगे, ग्लव्स होंगे, ग्लासेस होंगे, सनस्क्रीन होगा, मॉस्किटो रिपेलेंट होंगे. तो आपने ये सारा इक्विपमेंट भी लेके जाना है फील्ड में, और ये सारा कुछ जो है वो ज़रूरी है. इसके अलावा GPS जो है वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड रिकॉर्ड करने के लिए. इसके अलावा आपने डेटा बुक जो है वो फिल करनी है, जिसपे एबायोटिक फैक्टर, उस टाइम की जो है वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड, ये सारे फैक्टर जो है एबायोटिक फैक्टर, माइक्रो हैबिटेट, मैक्रो हैबिटेट के. फॉर एग्जांपल अगर आपको इंसेक्ट जो है वो मैक्रो हैबिटेट दैट इज़ द फील्ड, अगर आप इसको किसी भी क्रॉप से ले रहे हैं, वीट क्रॉप है, दैट इज़ मैक्रो हैबिटेट, और जिस प्लांट से, लीफ या स्टेम से आपको मिला है दैट इज़ माइक्रो हैबिटेट. तो आपने माइक्रो मैक्रो हैबिटेट भी उनके डेटा बुक में रिकॉर्ड करने होते हैं. सारे एबायोटिक फैक्टर आपने डेटा बुक में रिकॉर्ड करने हैं. Handpicking is the simplest method. In handpicking method, we collect the small insects, soft-bodied insects like beetles, aphids, bugs, and other small insects that are very fragile and soft-bodied. And we pick them very gently, very politely. We can use the small brush, any other vials like this. You can see the ladybird beetle on this flower. Now I pick it like in this way, gently. I just attach the bottle on this flower and ladybird beetle gently move into the bottle, and then I close it with my thumb. As you can see, the ladybird beetle is moving in the vial. You can tap it to see the movement of ladybird beetle, and then just close the bottle using this plastic cover lid.
method of insect collection. We can collect the insect from the trees. We just tap the trees and remove their bark. आप इस तरह lightly, जैसा कि ये spider है, although ये insect नहीं है, this is arachnid, class of phylum arthropoda. This is not insect, this is spider. तो आप इस तरह students ये tap कर सकते हैं इस तरह, और ये bark को उतार सकते हैं. बार को उतारेंगे तो आपको जो है वो इंसेक्ट्स नजर आएंगे. ये देखे जैसे ये स्पाइडर इधर मूव कर गया है, ये इस तरह. ये देखे आपके सामने, मैंने इसको जो है ये कैसे वायल ऊपर रखी है, जेंटली ऊपर, और ये स्पाइडर जो है इस वायल के अंदर आ गया है, ग्लास वायल में. और इस तरह फिर उसको आप किसी भी फिंगर से, थम से क्लोज कर सकते हैं और बाद में लिड के साथ कवर कर सकते हैं. This is arachnid. This is the other method of insect collection. We can just remove the bark. We can tap the tree and insects will move and you can collect the insects. There are many snails as well. You can see the snails and other insects like ants. These are the ants, colony of ants. These are the snails as well. Within the single plant, you can see the diversity of insects like snails, beetles, spiders, and ants. This is the exact ecology and diversity of the insects. They share the same habitat with other insects and they play role in the food chain and food web as well. There is another insect on this plant. You can gently pick this insect as well. You can also pick this gently. फ्लाइंग इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाइज, मॉथ और जो है वैस्प, और इसके अलावा दूसरे इंसेक्ट्स, फ्लाइंग इंसेक्ट्स जो हनी बीज लाइक, उनको हम एरियल नेटिंग मेथड से पकड़ सकते हैं. जैसा कि आपने देखा, हमने ये बटरफ्लाई को स्वीप नेट में पकड़ा और ये इसके ट्रायंगुलर नेट में आपको मूव करती हुई नज़र भी आ रही है. इसके बाद हम इसको किसी भी वायल, कंटेनर, जैम बॉटल, कॉफ़ी बॉटल, किसी भी ग्लास बॉटल में हम इसको फर्दर प्रेजर्वेशन और टेक्सोनॉमिक स्टडी के लिए हम इसको सेव कर सकते हैं. और इसको जेंटली आपने इस तरह ट्रायंगुलर, इस कॉटन नेट से आपने उसको जेंटली किसी भी कंटेनर में शिफ्ट करना है. और ये आप देख सकते हैं कि बटरफ्लाई जो है वो इजीली स्वीप नेट से जो है वो इस ग्लास बॉटल में आ चुकी है. और आप बटरफ्लाई को टैप करके मूव करता हुआ भी देख सकते हैं. और उसके बाद आप इसको जेंटली लिड से कवर कर लें. और ये देखें कि बटरफ्लाई जो है वो, आप इसको जैम बॉटल या ग्लास बॉटल को टैप करें तो बटरफ्लाई जो है वो आपको मूव करती हुई नज़र आ रही है. इस तरह बटरफ्लाई के अलावा आप हनी बी, ड्रैगन फ्लाइज, मॉस, वैस, बहुत सारे फ्लाइंग इंसेक्ट्स जो हैं, एरियल इंसेक्ट्स हैं, आप इस तरह एरियल नेटिंग मेथड से, यूजिंग द एरियल नेट, आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं. मेथड इज अनदर मेथड ऑफ इंसेक्ट कलेक्शन. एज यू कैन सी दिस फील्ड स्टूडेंट्स, इसमें हम ये करते हैं कि हम पूरे फील्ड में ग्लास, प्लास्टिक ग्लासेस या ग्लास बॉटल्स लाइक जैम बॉटल्स, कॉफ़ी बॉटल्स, एम्प्टी कॉफ़ी बॉटल्स और ग्लास बॉटल्स जो है वो हम पूरे फील्ड के अंदर पिटफॉल ट्रैप्स लगा देते हैं और उनके अंदर कैरोसिन ऑयल और ग्लिसरीन का सोल्यूशन ऐड करते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट ग्राउंड पे मूव करता हुआ और वो सॉइल के बिल्कुल इक्वल लेवल पे लगाए जाते हैं पिटफॉल ट्रैप्स. और इंसेक्ट्स जो है वो सॉइल के ऊपर मूव करता हुआ पिटफॉल ट्रैप के अंदर जो है वो फॉल कर जाएगा.
और पिटफॉल ट्रैप्स में से इंसेक्ट की डाइवर्सिटी हम आफ्टर टू डेज मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं, और इससे हमें ग्राउंड डाइवर्सिटी, ग्राउंड सॉइल के ऊपर जो इंसेक्ट हैं उनकी वैरायटी जो है वो हमें किसी भी फील्ड के अंदर कंपैरिजन के लिए हमें वो वैरायटी जो है पिटफॉल ट्रैप से मिल जाती है. Now we are going to explain the pitfall trap, how we can insert the trap in the field. As you can see, we are just digging the soil to insert the bottle in the soil to insert the pitfall trap in the soil. It should be on the level of the soil, so insects should not identify that there is something dangerous for them. आपने ट्रैप बिल्कुल इस तरह लगाना है कि इंसेक्ट्स को मूवमेंट के दौरान बिल्कुल आइडिया ना हो कि यहाँ पे कोई प्रिकॉशन है, यहाँ पे कोई डेंजरस एरिया है उनके लिए, और इंसेक्ट जो है वो सॉइल पे जस्ट जो है वो मूव करते हुए जो है वो सडनली पिटफॉल ट्रैप के अंदर जो है वो फॉल कर जाए. अगर इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर या नीचे होगा तो इंसेक्ट को अलर्ट हो जाएंगे और उन्हें आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे जो है वो समथिंग डिफरेंट है, और वो इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे और वो इसको जो है वो क्रॉस करके गुजर जाएंगे, इसकी साइड से गुजर जाएंगे. तो हमने पिटफॉल ट्रैप का जो लेवल है वो बिल्कुल फील्ड की सॉइल के बराबर रखना है ताकि इंसेक्ट्स को जो है वो आइडिया ना हो कि यहाँ पे कोई ट्रैप उनके लिए प्रेजेंट है. इस तरह आप पूरे फील्ड में जो है मुख्तलिफ डिस्टेंस पे, मतलब आप उसमें जो है रोज़ डिफाइन कर सकते हैं कि आपने एक फील्ड के अंदर 5 रोज़ में और पर रो आपने जो है वो 15 या 10 ट्रैप्स लगाने हैं, उनका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, और आप इस तरह पूरे फील्ड के अंदर जो है वो ट्रैप इंसर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम जो है वो कलेक्शन उनकी कर सकते हैं. और पिटफॉल ट्रैप के अंदर जो है वो हम सोल्यूशन यूज़ करेंगे ग्लिसरीन का, केरोसिन ऑयल का, चूँकि ये जो है वो सनी इन्वायरमेंट है और सोल्यूशन जो है वो एवेपोरेट भी हो जाएगा, तो इसे आफ्टर 2 डेज जो है वो हमने जो है ऑब्जर्व करना है. यू कैन सी दैट पिटफॉल ट्रैप इज इक्वल टू द ग्राउंड लेवल एंड इंसेक्ट्स कुड नॉट आइडेंटिफाई दिस ट्रैप. इंसेक्ट्स विल मूव एंड राउंड जस्ट अराउंड दिस पिटफॉल ट्रैप एंड इंसेक्ट विल फॉल ईजिली इन दिस ट्रैप. Now you can fill this trap with kerosene oil and glycerin with the solution of glycerin and kerosene oil 70 to 30%. Glycerin should be 30 and kerosene oil should be 70%. For demonstration, I am only just adding the simple water in this trap. But for collection of insects, you have to use the alcohol. Insects will trap in this pitfall trap, and you can collect the insect after 2 days in the morning or evening by removing this pitfall trap from the ground. Now we are going to use another method for insect collection. This is the bee tree method. For bee tree method, we need a simple white sheet to spread under the tree like this small tree, and a stick to beat the tree and collection vials. In bee tree method, we can collect the insects that are present on the foliage, like on the trees in the orchards, or other insects that are other pests that attack on the different plants in the orchards. Now we will perform the bee tree method. Just spread the sheet under the tree. Gently spread the white sheet under the tree and gently beat the tree with the using the stick. Now gently beat the tree. You can jerk the tree as well. You can see the insects are moving. Although these are not insects, these are spiders, Arachnida class, not Insecta class. This is spider. As you can see, we collected a spider as well. It belongs to the Arachnida class. This is not the insect. It belongs to Arachnida, and insects belong to the Arachnida class. There are many differences between the insects and arachnids.
most important thing is that in different collection methods, you will not only collect the insects, but also arachnids are also present on the trees, on different vegetation. So in your collection, you will also collect some arachnids as well within the insects. Arachnids are totally different from the insects. They have very different characters, like spider has very different characters from the insects. So don't confuse with the arachnids and insects. You are using different methods for insect collection. So in your collection, you will also collect arachnids and insects as well. Leaf litter method. Litter is composed of pollen, leaves, twigs and bark of the trees. Litter also have a variety of insects like millipedes, centipedes, earthworms, bugs, beetles and ants. और आप इसमें different insects को move करता हुआ देख सकते हैं. Variety of insects जो हैं वो इसमें present हैं. और चूंकि ये leaf litter थोड़ा dry हो चुका है, अगर leaf litter damp हो तो उसमें आपको ज़्यादा insects मिलेंगे. ये लीफ लिटर चूँकि ड्राई है तो इसमें इतने ज़्यादा इंसेक्ट्स नहीं हैं. यहाँ पे हमें सिर्फ एंट्स ही नज़र आ रही हैं. मिलीपीड सेंटीपीड वगैरह नहीं है, वो डैम्प प्लेसेस पे होते हैं. अगर लीफ लिटर थोड़ा डैम्प होता तो इसमें हमें वो भी नज़र आ रहे होते. बाई यूजिंग लीफ लिटर मैथड यू विल कलेक्ट द मिलीपीड सेंटीपीड्स, बग्स, बीटल, एंट्स एंड अर्थवर्म्स फ्रॉम द लीफ लिटर. For thorny vegetation in which very small type of insects are present, we use aspirator. Aspirator is an instrument that is used for collection of insects when vegetation is thorny. And by using aspirator, we collect the very small sized insects. By using aspirator, we suck the insects in that U-shaped funnel. This works on the method of sucking. And there is a cotton cloth inside the aspirator. When aspirator suck the insects, they all fall on the cloth that we will collect after the collection. Another method for collection of insects are traps. There are many different types of traps like yellow light trap, pan trap, Burley's funnel trap. So these different traps are used to attract the insects. Different lights are used to attract the insects during night, like nocturnal insects are attracted towards the light. So these traps are used for the collection of insects from the orchards or at the large scale. For example, bait is used in orchards like mango orchard, guava orchard at large scale. We cannot collect the insects from such orchards easily. So bait works on the large fields. There are variety of baits and variety of light traps that are used for the collection of insects in the large fields and orchards, etc. Dear students, these are variety of insects that we have collected by using different collection methods. Now we will use these collection of insects for identification and taxonomic studies of insects.